बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक्सरसाइज 11.2 लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 13 है। लैपलास इनवर्स फाइंड करना किसकी? एस क्यूब प्लस 3 एस स्केयर माइनस एस माइनस 3 डिवाइडेड बाई एस स्केयर प्लस 2 एस प्लस 5 का स्केयर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। हमारे पास आएगा, बल्कि इस एस को मैं ऐसे लिखता हूँ, एस क्यूब प्लस 3 एस। ऐसे लिखें वैसे लिखें की बात है, लेकिन यहाँ गलती का अमकान है मेरे से, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ। डिवाइडेड बाई एस के प्लस 2 एस प्लस 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक फैक्टर है ए एस प्लस बी डिवाइडेड बाई, एक बार पावर 1 आएगी, 2 एस प्लस 5 प्लस सी एस प्लस डी और नीचे पावर 2 आएगी, एस स्क्वायर प्लस 2 एस प्लस 5 का स्क्वायर। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एस स्क्वायर प्लस 2 एस प्लस 5 का स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एस क्यू प्लस 3 एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 3 इज इक्वल टू ए एस प्लस बी इन टू, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर 1 रह जाएगी, प्लस सी एस प्लस डी, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा। अब दोनों हैं क्वाड्रेटिक तो किसी को पुट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, एस क्यू प्लस 3 एस स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे। ए मल्टीप्लाई होगा तो ए मैं बाहर लिख रहा हूँ, एस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, एस क्यूब 2 एस स्क्वायर प्लस 5 एस प्लस बी एस स्क्वायर प्लस 2 एस प्लस 5 प्लस सी एस, अब यहाँ ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस डी आ जाएगा। कंपेयर कोएफिशिएंट्स, पूरा फिक्र होता है ऑफ लाइक पावर्स ऑफ एक्स। यहाँ लेते हैं एस क्यूब, एस क्यूब लेंगे इधर आएगा 1, इधर एस क्यूब के बाहर ए है, आगे है आई कोई नहीं, ए का आंसर आ गया। एस स्क्वायर इधर है 3, इधर एस स्क्वायर के साथ 2 है, बाहर ए है, 2 ए और प्लस बी आएगा, ए की वैल्यू है 1, 3 उधर जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा, तो बी भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। अब लेते हैं एस, इधर क्या आएगा, माइनस 1, ये 5 एस है तो 5 ए आ जाएगा, ये 2 एस है क्या आएगा, 2 बी प्लस सी एस सी, माइनस 1 है ये 5 है, ये 2 है, ये सी, 5 2 7 तो सी आ जाएगा माइनस 8। और अब लेते हैं हम एस की पावर 0 यानी कि कांस्टेंट के, तो ये आएगा माइनस 3, इधर बचेगा 5 बी प्लस डी, अब बी भी 1 है तो डी भी क्या आ जाएगा, माइनस 8। तो हमारे पास आ गया फिर एस क्यूब प्लस 3 एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 3 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 एस प्लस 5 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ए भी 1 है, बी भी 1 है, इन सारों को हमने यहाँ पुट करना है, ए बी सी डी, तो हमारे पास आएगा एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 एस प्लस 5 प्लस हमारे पास आ जाएगा माइनस 8 एस माइनस 8, सी और डी की वैल्यू है, डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 एस प्लस 5 का स्क्वायर। इसे करते हैं लैपलास इनवर्स, एस क्यू प्लस 3 एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 3 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 एस प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू लैपलास इनवर्स एस प्लस 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 2 एस प्लस 5 प्लस लैपलास इनवर्स
माइनस एट एस माइनस एट डिवाइडेड बाई एस स्क्वेयर प्लस टू एस प्लस फाइव का स्क्वेयर। इस इक्वेशन को मैं कह रहा हूँ इक्वेशन नंबर वन। बजाय दोनों को सॉल्व करें, अब दोनों को अलहदा अलहदा करेंगे, पहले मैं इसको पकड़ता हूँ फिर मैं इसको, और जो आंसर आएगा इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे। नाउ लैप्लास इनवर्स एस प्लस वन ओवर एस स्क्वेयर प्लस टू एस प्लस फाइव, ये आएगा लैप्लास इनवर्स एस प्लस वन। नीचे स्क्वेयर कंप्लीट करेंगे, इसे करेंगे वन प्लस फाइव, तो ये हो जाएगा हमारे पास एस प्लस वन का स्क्वेयर वन प्लस फोर, एस प्लस वन का स्क्वेयर प्लस टू का स्क्वेयर। अब एस प्लस वन है आएगा ई की पावर माइनस टी, और बाकी आगे है ये प्लस, तो हमारे पास आएगा काज ऑफ टू टी। ई का आंसर हमारे पास आ गया। अब हम लेते हैं नाउ लैप्लास इनवर्स माइनस एट एस माइनस एट ओवर एस स्क्वेयर प्लस टू एस प्लस फाइव का स्क्वेयर, इसको पकड़ते नेगेटिव एट कॉमन ले लेंगे। माइनस एट लैप्लास इनवर्स एस प्लस वन डिवाइडेड बाय एस स्क्वेयर प्लस टू एस प्लस फाइव का स्क्वेयर। यहाँ पे देखें अब एक बात कि वन ओवर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। वन ओवर एक्स का आता है माइनस वन ओवर एक्स स्क्वेयर। वन ओवर एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? माइनस वन ओवर एक्स स्क्वेयर। ये किसका डेरिवेटिव है? वन ओवर एक्स का। माइनस वन ओवर एक्स का क्या आएगा? वन ओवर एक्स स्क्वेयर। डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स की पावर माइनस वन, इसका क्या आएगा? माइनस पहले आएगा, ये काम करेंगे इनटू टू एक्स प्लस थ्री आएगा, ऊपर आ जाएगा टू एक्स प्लस थ्री, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स का स्क्वेयर। इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, आ गया ना। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दोबारा हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव है ये। इसको ज़रा थोड़ा सा सामने रखें, एस स्क्वेयर प्लस टू एस का डेरिवेटिव क्या आता है? इसका आता है टू एस प्लस टू, तो यहाँ से मैं करूँगा माइनस फोर लैप्लास इनवर्स टू इन टू एस प्लस वन, अंदर मल्टीप्लाई करना है वो कर दें, एस स्क्वेयर प्लस टू एस प्लस फाइव का स्क्वेयर। इसे करेंगे हम फोर लैप्लास इनवर्स माइनस टू एस प्लस वन डिवाइडेड बाई एस स्क्वेयर प्लस टू एस प्लस फाइव का स्क्वेयर। अब स्क्वेयर क्यों अंदर ले, नेगेटिव क्यों अंदर ले गए? वन ओवर एक्स का डेरिवेटिव है माइनस वन ओवर एक्स के, तो माइनस वन ओवर एक्स का है प्लस वन ओवर एक्स के। अब ये सारे का सारा ये बनेगा लैप्लास इनवर्स डी बाई डी एस वन ओवर एस स्क्वेयर प्लस टू एस प्लस फाइव, ये इसका स्क्वेयर आ जाएगा, ये डेरिवेटिव आ जाएगा, और साथ इसके क्या आ जाएगा? साथ इसके आ जाएगा फोर एक डी बाई डी एस है, इधर आएगा हमारे पास माइनस वन टी की पावर वन, स्क्वेयर हो तो माइनस वन का स्क्वेयर टी स्क्वेयर आता है, तो ये आएगा, बाकी बचेगा लैप्लास इनवर्स वन ओवर एस स्क्वेयर प्लस टू एस प्लस फाइव। ये फार्मूला हमने पीछे पढ़ा था 11.1 में, वो लिखना भी है तो वो था, मैं लिख देता हूँ आपको, वो ये था
लेप्लास ऑफ टी की पावर एन एफ ऑफ टी माइनस वन की एन डी एन बाई डी एस की एन एफ ऑफ एस या लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये वाला फार्मूला। और अगर ये पावर वन है ये वन है तो ये भी वन हो जाएगी। इसे हम करेंगे माइनस फोर टी, ये उसी तरह दोबारा आएगा वन ओवर एस स्क्वेयर प्लस टू एस प्लस वन प्लस फोर माइनस फोर टी लेप्लास इनवर्स वन ओवर एस प्लस वन का स्क्वेयर प्लस टू का स्क्वेयर। या ऊपर एस आता है या ऊपर कांस्टेंट है, यहाँ तो एस प्लस वन आना चाहिए, वैसे आई क्यों नहीं, टू से मल्टीप्लाई करेंगे और टू से डिवाइड करेंगे, या ऐसे कर ले माइनस टू टी, यहाँ से दो लिखा और दो हम इधर ले गए, एस प्लस वन का स्क्वेयर प्लस टू का स्क्वेयर, ये आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू माइनस टू टी ई की पावर माइनस टी, और फिर आएगा साइन ऑफ टू टी। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन में पुट करेंगे एंड गेट द आंसर, और आपके पास आंसर आ जाए।